अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ, व्लॉग ही लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए ये लेकर आई हूँ कि आज वेदर में था कि आज थंडर शावर होगा और बारिश होगी और तूफान आएगा, बिजली कड़केगी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो मैं बाहर आई हूँ, तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के बाहर रोड पर जाती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो एवरीवन, मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर निकली हूँ। सब कह रहे थे वेदर में भी था कि मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा बाहर आए हैं तो मैंने कहा KFC के राइस खा लेते हैं, मेरे फेवरेट है। तो पर इधर ना तो मौसम अच्छा है, ना तो बारिश का कोई मज़ा है, कुछ भी नहीं। मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने। मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ, ये देखिए आसमान में ना कोई बारिश, ना कोई कुछ भी नहीं है। बहुत हाय, क्या बताऊँ मैं आपको, कितनी गर्मी है, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये 3 महीने। दुआ करें बस गुजर जाए अल्लाह का नाम लेकर जल्दी से, पता भी ना लगे। तो बारिशें वगैरह हों, मौसम अच्छा हो, तो बहुत सुकून होगा। तो मैं अभी KFC के राइस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और मैं आपको रास्ता भी दिखाती हूँ कि कौन सा चक्कर लगाने गए जा रहे हैं हम, कौन सी रोड पर है। तो आपने मुझे गेस करके बताना है कौन सी रोड है, ठीक है। तो अभी वेट करें, मैं आपको दिखाती हूँ रोड। रोड दिखाती हूँ पर बाहर इतनी ट्रैफिक है, इतना शोर है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ रोड, मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर, ट्रक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो शोर भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आज आपको वेदर दिखाना था कि लाहौर में कैसा वेदर है, मौसम में था, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे सांस लें बंदा ट्रैफिक में, सांस भी नहीं आती, गर्मी भी इतनी लगती है। तो ये रोड है, आपने बताना है ये कौन सी रोड है, ठीक है। तो मैं हेल्थ एंड गुडनेस आई हूँ आलमंड वाला शेक पीने, ठीक है। तो अभी आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो आपने ग्लोरिया जीन्स सोच रही हूँ यहाँ से मैं ना वो ले लूँ, क्या कहते हैं, कोई पेस्ट्री या केक। तो इधर से अभी जूस लिया है, यहाँ पे भी एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो अभी हम क्या कहते हैं इधर से भी लेती हूँ मैं पेस्ट्री वगैरह, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेस्ट्री तो मैंने ली नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी, मीठी बहुत ज़्यादा मीठी है वो पेस्ट्री, या और कुछ भी मेरा मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा था, और भी कुछ ने खाना नहीं था। तो मैंने कहा ले लो कोई, तो मैं दिखा दूँगी व्लॉग पे। तो कह रही नहीं नहीं हमने नहीं खाना। तो अभी जूस का वेट कर रहे हैं, जूस आता है फिर पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है इनका टेस्ट, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं आपको बताऊँगी, अगर बुरा हुआ तो भी बताऊँगी। पर आपने फिर देखना है खुद ही आपका टेस्ट कैसा लगेगा। आपको मैं कहूँगी, वैसे मैंने इधर का बहुत पिया हुआ है, हेल्थ एंड गुडनेस है, हेल्थ एंड गुडनेस रेस्टोरेंट है ये, जूस बार है, सॉरी। गर्मी की वजह से ना मेरा तो दिमाग ही घुमा हुआ है। तो कहते हैं यहाँ पे मैं हमेशा पीती हूँ जूस, और शेक वगैरह बहुत अच्छे होते हैं इनके। तो अगर आप लोगों ने भी पीने हो तो ज़रूर आना, आप लोगों का भी टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता हो तो आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपका टेस्ट है, इसको आप क्या नंबर देते हैं, कितने नंबर देंगे आप। लाइट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा मज़े का है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों में से किसी ने पीना हो आलमंड का तो आप ज़रूर हेल्थ एंड गुडनेस आइए, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने मुझे अपना बताना है टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, ये आप जब इधर जूस पीने आते हैं तो आपको कौन सा वाला जूस या शेक कौन सा आपको पसंद है, कॉकटेल कोई भी हो, कौन सी ज़्यादा पसंद है, तो आपने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे ये बहुत पसंद है तो मैं अब ये पी लूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं ना क्या कहते हैं आगे चलो रोड के बीच में ट्रैफिक बहुत ही है, KFC आ गई हूँ, ये रहा, ठीक है इधर दिखाऊंगा। तो अब मैं यम्स आई हूँ क्योंकि मेरा कुछ दिनों तक बहुत अच्छा प्लान है कि मैं ना बफे करूँगी, बहुत
अच्छी जगह पे, पर मुझे किसी का बफे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो सी जिसकी अच्छी डिश होगी ना, मैं वो रखूँगी। तो अभी मैं इनसे पूछती हूँ इनकी कौन कौन सी डिश है, उसके बाद फिर आपको बफे डिनर करना है ना। हाँ डिनर करना है, हाई टी या वो नहीं करना, डिनर करना है। तो अभी इनके पास होता ही नहीं, खत्म कर दिया लगता है, माइनस माइनस हो गया। अब रह गया सिग्नेचर रेस्टोरेंट, अब हम सिग्नेचर रेस्टोरेंट से सिग्नेचर रह गया और द किचन नेस्ट रह गया। हाँ एम एम आर एम रोड रह गया। पहले हम गए थे निषाद, पर हमने उसका मेन्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो फिर हम ना यहाँ आए हैं, यहाँ पे भी नहीं पसंद आया। अब हम सिग्नेचर रेस्टोरेंट जाएंगे, उनका मेन्यू देखेंगे और उनके देखेंगे कि वो बफे में क्या क्या डिशेज देते हैं, और फिर देखते हैं कौन सी जगह जाते हैं। मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, आपने व्लॉग ज़रूर देखना है, ठीक है। तो अभी हम KFC के राइस लेते हैं। दरअसल जैनब ने बनाना है व्लॉग, इसलिए जैनब बेस्ट बफे देख रही है लाहौर में कौन सा रेस्टोरेंट का है। पता लगे कि बफे कौन सा वाला सबसे अच्छा होता है, तो वहाँ पे आप लोग जाके खा सकते हैं जब आप पाकिस्तान घूमने आए। तो अभी हम KFC से राइस लेते हैं। हो गया राइस, और क्या लिया है दो। तो जैनब का ऑर्डर आ गया है, राइस लिया जैनब ने, फ्रेश। खाओ यहीं खड़ो के, यहाँ दिखाना आओ। जिस चेयर पे मैं बैठी ना, इतना घूम रही हूँ चक्कर। हाँ ये राइस, अभी आराम से मजे मजे से मैं रास्ते में खाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैं घर पहुँचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अभी तो इधर एसी लगा, बहुत सुकून है, मैं तो यहीं बैठ के खा लूँ। हाँ खा लो, खा लेते हैं यहीं पर, खा लो। फिर घर जाके खाने जाएंगे, और फिर रास्ते में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जिसने भी कहा ना कि वेदर बहुत अच्छा आने वाला, आज पता नहीं हुआ, गलत नहीं होती है। हाँ सही कह रही हो, आज वेदर 10 जुलाई से 14 जुलाई तक कहा कि बारिश होगी, बारिश होगी, वेदर में भी है बारिश होगी, पर बारिश नहीं होगी। वो कह रही मैं यहीं खाऊंगी, तो मैं यहीं खाऊंगी। और ये मैं राइस खाने लगी हूँ, इनके बहुत मज़े के होते हैं। आपको पसंद है चटनी? बहुत, इतने तो खाए हैं। मेरी वीडियो जो है ना हिज्जा बना रही हूँ। हाँ मैं बना रही हूँ, और मैं भी हूँ साथ। हाँ मोटी भी है साथ, ऐसे भी करो क्या स्वाद आ गया बादशाह, स्वाद आ गया बादशाह। पंजाबी नहीं बोली जाती मेरे से, चाहे सौंप मिल जाए गो, ये पंजाबी नहीं बोली जाती, वो स्वाद आ गया वो बादशाह, स्वाद आ गया बादशाह, स्वाद आ गया बादशाह भैया, हुर्रा 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 कहा, मैंने कहती पुआ पुआ, स्वाद आ गया बादशाह, गलत नहीं बोलना। ओ मेरे ऊपर सारे इसने गिरा दिया स्पून। चलो आप भी खा लो ना, बंद कर दो आप भी खा लो। चलो अब जाना खाती है, फिर घर जाके मिलोगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं घर जाके अपने होम स्वीट होम वुड के साथ। एवरीवन मैं घर आ गई हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं घर आकर आपसे बात करती हूँ, तो मैं घर आ गई। आए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लाइट गई हुई थी घर की, अभी अभी लाइट आई है। तो अब मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ और सोने की तैयारी करने लगी हूँ, एसी लगाया है, ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो सांस भी नहीं आती है, जब एसी में आऊँ ना तो सांस आती है, एक बंदा बाहर चले जाए ना एसी से तो साथ ही एक सांस, थोड़ा सा भी सांस नहीं लिया जाता। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको
केएफसी के राइस अच्छे लग रहे हैं या फिर आपको हेल्थ एंड गुजनेस का आप फ़ैन है, किसके फ़ैन है आपने ये ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।